स्टार्ट एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। सबसे पहले आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, पी क्यू आर एस। क्वाड्रिलेटरल वो होता है, क्वाड्रिलेटरल इज द पॉलीगॉन हैविंग ओनली फोर साइड्स। जिस पॉलीगॉन के सिर्फ फोर साइड्स होते हैं उस पॉलीगॉन को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। सो एक हम क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, मीन्स हम फोर साइड्स बनाएंगे। सिर्फ फोर साइड्स बनाई है, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसका हम नेमिंग करेंगे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ये फोर पॉइंट्स जो होते हैं उनको हमने नेमिंग कर दी है पी क्यू आर एस। ड्रॉ इट्स डायगनल्स। डायगनल्स मतलब टू अपोजिट पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए एक लाइन के थ्रू, तो वो आपका एक डायगनल हो गया। और फिर अपोजिट टू एंगल है, ये टू पॉइंट्स हैं, इनको आपने फिर एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया है दिस वे। तो एक डायगनल आपका हो गया पी आर और दूसरा डायगनल हो गया क्यू एस। नाउ हियर पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये आपका क्या बन गया है, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसकी सिर्फ फोर साइड्स हैं इसलिए हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। नाउ सेकेंड थिंग, ड्रॉ इट्स डायगनल्स। तो इसके डायगनल्स कौन कौन से हैं, नेम देम। अब हमने उनको नेम भी दे दिया पी आर एंड क्यू एस। नाउ डायगनल्स आर, डायगनल्स हैं इसके पी आर एंड क्यू एस। दूसरा डायगनल हो गया क्यू एस। इज मीटिंग पॉइंट ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज इट इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसका जो इंटीरियर पॉइंट है, जैसे ये टू डायगनल्स हैं, ये इस पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट जहां पर ये टू डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने उसको नेम दिया है ओ। अब ये क्या बोलते हैं, इस मीटिंग पॉइंट, दो डायगनल जहां पर मीट कर रहे हैं तो इसका मीटिंग पॉइंट क्या है, ओ है। ये जो ओ है ये इसका मीटिंग पॉइंट है दोनों डायगनल्स का। तो इन्होंने पूछा है कि मीटिंग पॉइंट इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब मीटिंग पॉइंट जो ओ है वो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है या बाहर है। इंटीरियर मीन्स अंदर एंड एक्सटीरियर मीन्स बाहर। सो ये जो टू डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनका मीटिंग पॉइंट ओ इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है। ओ इज द मीटिंग पॉइंट, ओ एक मीटिंग पॉइंट है एंड और क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के इंटीरियर है एंड इज इन इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ये आपका क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है। आप क्वाड्रिलेटरल स्पेलिंग भी लिख सकते हैं और इस तरह से सिंबल बनाकर भी लिख सकते हैं पी क्यू आर एस। सो क्वेश्चन 1 इज कम्प्लीटेड। आपने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, दोनों डायगनल बना दिए, दो डायगनल इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये मीटिंग पॉइंट है जो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे के एल एम एन। क्वाड्रिलेटरल की ऑलवेज फोर साइड्स होती है, कोई भी पॉलीगॉन जिसकी सिर्फ फोर साइड्स होती है हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। नाउ हमने उसको नेम दे दिया के एल एम एन। जो फोर पॉइंट्स थे हमने उनको ये नेम दे दिया जो आपको गिवन है। नाउ फर्स्ट वाला टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये सारे जो ए बी सी डी दिए हुए हैं ये हमें सारे सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट है टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो इसके अपोजिट साइड्स कौन कौन से होंगे, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट साइड्स होंगे ये वाला, ये एक दूसरे के अपोजिट है और ये जो साइड्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, इसलिए ए में जो आएगा टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ऐसे हमें टू पेयर बताने हैं। तो एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया। नाउ वन पेयर के एल एंड एन एम एंड एन एम, ये एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड हो गया। सेकेंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड है आपका एन के
एंड एम एल, एम एल ये हो गए आपके टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स. नाउ बी वाला है आपका टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल. तो ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे, ये जो एक दूसरे के सामने वाले एंगल हैं, ये एंगल ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, तो ये है वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, और एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल. तो ये जो एंगल है ये हमने थोड़ा डिफरेंट डिजाइन दी इसको, तो आपको पता चल जाएगा एक ये पेयर है और ये दूसरा ये पेयर है, तो ये हो गए पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल. तो एंगल के एंड एंगल एम, एंगल के एंड एंगल एम, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर हो गया आपका एंगल एन, एंगल एन, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल के एन एम, एंगल के एन एम एंड एंगल के एन एम, एक हो गया इसके अपोजिट वाला के एल एम, के एल एम. सो ये दोनों हो गए आपके पेयर ऑफ अपोजिट एंगल. इसको भी आप लिख सकते हो एंगल के को एन के एल, एन के एल, और इसके अपोजिट एम को आप लिख सकते हो एन एम एल. इसको आप लिख सकते हैं एंगल एन एम एल. सो ये हो गए टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल. नाउ सी वाला जो है आपका टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट मतलब जो साथ में रहती है, जैसे ये वाली साइड और इसी के साथ है आपकी ये वाली साइड, तो ये होंगी आपकी एडजेसेंट साइड. एक ये वाली साइड और इससे ही जो इसके ही साथ जा रही है दूसरी साइड ये वाली, तो ये दो होंगी आपकी एडजेसेंट साइड. तो एक पेयर ये हो गया आपका, और जो दूसरा पेयर होगा ये वाली और ये वाली साइड, एक ये और एक ये, क्योंकि ये एक दूसरे से मिली हुई है तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट है. सो वन पेयर हो गया के एल, और उसके एडजेसेंट साइड है एल एम, एक पेयर ये हो गया. एंड एल एम, एल एम एंड एम एन, एंड एम एन, तो ये हो गए आपके टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स. एक ये साइड और एक ये साइड, ये एक पेयर हो गया, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दूसरा पेयर हो गया. आर टू पेयर ऑफ, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स. नाउ डी वाला है जो आपका टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. सेम जैसे साइड जो कि पास में रहती है वही एडजेसेंट होती है, वैसे एंगल भी जो पास में है उन्हीं को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल. ये और ये एडजेसेंट एंगल है. उसके बाद दूसरा पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल होगा ये एंड ये. तो फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है आपका एंगल एन के एल, एंगल एन के एल एंड एंगल के एल एम, एंगल के एल एम. और दूसरा पेयर है एंगल के एल एम, एंगल के एल एम एंड एंगल के एम एन, एंड एंगल के एम एन. सो एक पेयर में आपने देखा एंगल एन के एल, एन के एल, इसका एडजेसेंट एंगल होगा आपका एल वाला के एल एम. ये दोनों एंगल एडजेसेंट है. अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो के एल एम, के एल एम एंड के एम एन, के सॉरी दिस इज नॉट के, दिस इज एल एम एन, एल एम एन. सो ये दोनों एडजेसेंट है एक दूसरे के एंगल, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट है. सो सारे फोर पॉइंट्स हो गए हैं. सो योर क्वेश्चन टू इज कम.